बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से भी होंगे। आज एक और ब्रांड वीडियो के साथ हम आ रहे हैं आप लोगों के साथ, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे। जिन भाई ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन कॉल पर कर लीजिएगा, ताकि हमारी मजीद इतनी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सिखाने वाला हूँ मैं। तो वो चीज़ है क्या, सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूँ, आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई इन सब पे वर्क करना सिखाऊंगा, किस तरह आप वर्क कर सकते हैं और किस तरह यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेक्चर के तकरीबन एक घंटे का होगा। ठीक है, तो एक घंटे के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊँगा। अगर किसी को ना कहीं से समझ लगे, पता ना चले, तो भाई साहब कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है, तो वहाँ पे कमेंट करके आप पूछ लीजिए अगर पूछना हो तो। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा वो है कि हाउ टू मेक मनी विद अमेज़ॉन, कि अमेज़ॉन के साथ आप अर्निंग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, नंबर वन पे आता है सेलिंग ऑनलाइन। ठीक है, सेल ऑन अमेज़ॉन। ठीक है, अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग कैसे, रीच मिलियंस ऑफ कस्टमर्स इन अवर 180 कंट्रीज एंड सॉरी यार खांसी हुई है थोड़ी सी, तो 180 कंट्रीज एज एन अमेज़ॉन सेलिंग पार्टनर्स। ओके, नंबर टू पे आता है हमारे पास फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन क्या चीज़ है, फुलफिलमेंट क्या है, लिवरेज अमेज़ॉन फुलफिलमेंट नेटवर्क एंड वी विल शिप योर ऑर्डर फॉर यू। ठीक है, तो आपके लिए जो भी ऑर्डर का है फुलफिलमेंट का सीन वो होता है। ठीक है, उसके बाद आता है अमेज़ॉन एडवांटेज। एडवांटेज क्या है अमेज़ॉन के ऊपर, तो सेल्फ सर्विस कंसाइनमेंट प्रोग्राम टू सेल मीडिया प्रोडक्ट एंड डायरेक्टली ऑन अमेज़ॉन। आप मीडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली अमेज़ॉन के ऊपर आप सेल आउट कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन ये क्या चीज़ है, तो अमेज़ॉन डिस्प्ले एड्स रीच योर कस्टमर्स विद डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग एंड amazon.com मोबाइल एंड काइंडली। ओके, अमेज़ॉन एसोसिएट क्या चीज़ है, तो एडवर्टाइज अमेज़ॉन प्रोडक्ट ऑन योर वेबसाइट एंड अर्न अप टू 50% इन रेफरल फीस ऑन द सेल ऑफ बुक्स, म्यूजिक, DVD, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक, किचन अपेयरल, ठीक है, ज्वेलरीज एंड मोर। ये सारी चीज़ें आप यहाँ के अमेज़ॉन एसोसिएट के ज़रिए यहाँ के सेल आउट कर सकते हैं, यहाँ के बाय सेलिंग का काम यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और इसमें आपको जो है तकरीबन 15% जो है और रेफरल लिंक की जो पेमेंट है वो भी देनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे रेफरल लिंक का क्या होता है सीन, वो भी मैं आपको सीन समझाऊँगा सारा बाद में। ठीक है, Amazon स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो Amazon और कुछ स्पॉन्सर भी करता है। ठीक है, Amazon को कुछ करते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, वो है प्रमोट योर प्रोडक्ट ऑन Amazon विद पे पर क्लिक कीवर्ड टारगेटेड एड्स योर एड्स मैनी अपीयर ऑन पेज वन ऑफ सर्च रिजल्ट एंड ऑन प्रोडक्ट डिटेल पेज। ठीक है, कि अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन यानी कि खुद यानी कि एडवर्टाइजिंग करेगा, प्रमोट करेगा आपकी प्रोडक्ट को, तो पर क्लिक जो भी आपकी यानी कि होगी प्रोडक्ट उसके ऊपर जो पर क्लिक होगा, पर क्लिक के हिसाब से वो आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो बेशक आपके लाखों में आ जाए क्लिक, तो बेशक आपके सैकड़ों में आ जाए, ठीक है, जिस हिसाब से क्लिक करेंगे उस हिसाब से आप उसे ये अमेज़ॉन चार्ज करेगा, क्योंकि जारी बात है जो क्लिक करेगा कोई देखेगा तो उसमें से अर्निंग भी तो होगी ना। कोई ऑर्डर अगर 100 क्लिक होते हैं तो 100 में से तकरीबन कोई अगर 10 ऑर्डर भी ले ले बंदे, ठीक है, तो 10वीं ऑर्डर निकलते हैं तो भाई साहब बहुत है ये भी। ठीक है, क्योंकि इसका पर क्लिक रेट थोड़ा सा होता है, बिल्कुल नॉर्मल सा। ठीक है, तो आगे आते हैं अमेज़ॉन पे। ठीक है, Bring the trusted Amazon payment experience to your
our वेबसाइट एंड मेक इट ईजी ऑफ कस्टमर टू पे। ठीक है, तो ये कि अमेजोन एक ट्रस्ट का नाम है, ठीक है, तो आप जैसे मर्जी इसको पे आउट पे करके अपने प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, कि पहले भी आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं इनको, कोई इशू किसी किस्म का नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट के काबिल है ये। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास आता है सेलिंग ऐप्स, अपनी मोबाइल ऐप्स जो हैं, कुछ लोग बनाते हैं मोबाइल ऐप्स हैं, जो कि जारी गल है जारी बात है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जो है वही मोबाइल ऐप्स वगैरह भी बनाते हैं, तो वो कैसे सेल आउट कर सकते हैं। तो उसका जो तरीकाकार है वो है अमेजोन ऐप स्टोर सबसे पहले। ठीक है, सेल योर एंड्रॉयड ऐप ऑन द अमेजोन ऐप स्टोर एंड रीच मिलियंस ऑन काइंडली फायर अमेजोन फायर टीवी एंड सेलेक्ट एंड्रॉयड डिवाइसेस। इट्स इजी टू गेट स्टार्टेड, ओवर 75% ऑफ एंड्रॉयड ऐप वी टेस्टेड वर्क विद नो एडिशनल डिवेलपमेंट नेसेसरीज। ठीक है, यानी कि इसमें मुकम्मल तौर पे आपको इनके ऐप स्टोर्स बना के दी जाती हैं और बकायदा वर्क करके चेक भी करवाई जाती है। ठीक है, आप ये भी चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं, यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, अमेजोन मोनेटाइजेशन APIs। ठीक है, तो अमेजोन मोनेटाइजेशन क्या चीज़ है? मोनेटाइज योर ऐप एंड गेम पे गेम बाय इंटीग्रेटिंग इन द अमेजोन मोबाइल एज API इन ऐप परचेजिंग इन API और द मोबाइल एसोसिएट ऐप विच लेट्स योर सेल फिजिकल प्रोडक्ट इन योर ऐप एंड अर्न अप टू 6% ट्रांजेक्शन फीस। जी हाँ, तो यहाँ पे आपकी जो ट्रांजेक्शन फ़ीस होगी, आपके पेज का जो मोनेटाइज होगा अमेजोन के ऊपर, तो भाई साहब आप जो ट्रांजेक्शन फ़ीस करेंगे उसका 6% कटौती होगी, वो रखेगी कौन? अमेजोन। ठीक है, तो अमेजोन HTML वेब पेज क्या होता है? ठीक है, सेल योर HTMLS पेज ऐप एंड मोबाइल ऑप्टिमाइज एंड मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट ऑन द अमेजोन वेब ऐप स्टोर अवेलेबल इन नियरली 200 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कि 200 प्लस कंट्रीज़ के अंदर यानी कि आप अपनी HTML ऐप जो है वो सेल आउट कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और जिस तरह मर्जी आप चाहें आप इजीली अर्न करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, और आपको सिंपल से चीज़ों में थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि अमेजोन एक ऐसा ब्रांड है कि जहाँ पे अरबों वाले रुपये वाले पैसे बंदे हैं ना, जो अरबों वाले भी हैं, वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं अरबों वाले। ठीक है, एक चलो गरीब बंदा है ना, तो एक अरबों वाला उसके पास तो पहले से इतना सा पैसा है, तो वो भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। देख लें तो खुद अंदाज़ा लगाएंगे अमेजोन कितना कमा रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि तकरीबन 92 के अंदर अमेजोन का जस्ट एक ऑफिस होता था और जस्ट एक रूम होता था। ठीक है, सिंपल सा ऑफिस और छोटा सा कमरा था एक बस। ऐसा चेक कीजिएगा, पूरी दुनिया के अंदर अब अमेजोन के ऑफिस है, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 200 प्लस कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 200 कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर अमेजोन का ऑफिस मौजूद है, अमेजोन की वहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग होती है। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी चीज़ बन गई, क्या हुआ कि ओवर भाई लगे रहे, एक दिन सक्सेस मिल गई। ठीक है, यही चीज़ होती है कि अगर आप किसी भी काम में अगर लगे हैं ना, तो उसके लिए आप उसमें सक्सेस होने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, जितना आप टाइम देंगे जारी बात है उस हिसाब से ही आप ये कि सक्सेस भी होंगे, अदरवाइज़ ये तो कह नहीं सकते कि हम भाई साहब के फौरन से झटकों में हम ये कि सक्सेस हासिल कर लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि सक्सेस के लिए बहुत सारी आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक है, और फिर जाके बंदा सक्सेसफुल होता है। ठीक है, अगर तो ऐसे ही है कि हर कोई चलता फिरता बंदा या कि सक्सेसफुल होना शुरू हो जाए, तो भाई साहब बस फिर
फिर तो दुनिया में कोई गरीब रहे ही ना, ठीक है। तो इस वजह से हे भाई साहब, अपना कोई भी काम करें उसको प्रॉपर लेके चलें और उससे काफ़ी अच्छी अर्निंग भी करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग, ठीक है। काइंडली डायरेक्ट पब्लिशिंग जो है वो क्या चीज़ है। काइंडली डायरेक्ट पब्लिशिंग मेक्स इट फास्ट एंड इजी फॉर योर हु टू इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग योर बुक फॉर फी एंड रीच मिलियंस ऑफ काइंडली एंड काइंडली ऐप रीडिंग कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड। ओके, ऑडियो ऑडियो बुक क्रिएशन एक्सचेंज। ओके, द ऑडियो बुक क्रिएशन एक्सचेंज गिव यू कंट्रोल ओवर ऑडियो बुक प्रोडक्शन कनेक्ट विद द नेटवर्क ऑफ लीडिंग इन ऑडियो बुक परचेजर और लर्न व्हाट यू नीड टू और नॉट टू प्रोड्यूस इट योर सेल्फ, ठीक है। कि अगर आप अपनी कोई बुक वगैरह यहीं के सेल आउट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं, उसकी आप बुक तैयार कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं, ठीक है। और बहुत सारे मेथड्स हैं भाई साहब अमेज़ोन से अर्निंग करने के, और एक नहीं भाई साहब हज़ारों मेथड्स हैं, ठीक है, जिसके जरिए आप अमेज़ोन के ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आज आपको तकरीबन 16 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, ठीक है। 2024 के अंदर 16 ऐसे मेथड्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप अमेज़ोन से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। मेक मनी ऑन अमेज़ोन इन 2024, 6 टॉप मेथड्स, ठीक है, 16 टॉप मेथड्स, सॉरी 6 नहीं। तो सबसे पहले आपसे शेयर करते हैं मेथड्स। नंबर 1, सेल योर ऑन प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। सबसे पहले तो आप अपनी प्राइवेट जो भी लेबल प्रोडक्ट आपने तैयार की हुई हैं वो आप सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है, और उससे काफ़ी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं, ठीक है। और नंबर 2 पे आता है पब्लिश योर ऑन बुक टू काइंड डायरेक्ट पब्लिशिंग, कि आप अपनी बुक यहीं के पब्लिश कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। सारी बात है, जितनी आपकी बुक को लोग ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा आप उसे अर्न कर सकेंगे, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल होल सेल गुड्स ऑन अमेजोन, ठीक है। सेल एंड होल सेल का आप काम करें अमेजोन के ऊपर तो भी आपको भाई साहब बहुत प्रॉफिट है, इसमें बहुत सारा पैसा आप बच सकता है आपका, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है बीकम एन अमेजॉन इन्फ्लुएंसर, के अमेजॉन के ऊपर फ्रीलांसिंग का क्या काम है, ठीक है। फ्रीलांसर के थ्रू आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल के साथ बता सकता हूँ और बताता हूँ। तो फ्रीलांसर कौन है। फ्रीलांसर हर वो बंदा फ्रीलांसर है जो कि खुद ब खुद यानी कि अर्न कर रहा है अमेजोन से, ठीक है, खुद यानी कि अर्निंग कर रहा है, ठीक है। और भाई साहब ये कि आप इजीली इजीली काफ़ी अच्छी अर्न कर सकते हैं उसे, ठीक है। आपके पास यानी कि एक स्किल है और स्किल के ज़रिए ये आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट आप सेलिंग कर रहे हैं, अपनी कोई सब्सिडी सेलिंग कर रहे हैं, आप कोई भी कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, किसी के अकाउंट मैनेजिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, सारी बात ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको पैसा आ रहा है, तो ऑनलाइन कुछ भी काम करने को हम बोलते हैं भाई साहब इन्फ्लुएंसर, यानी कि फ्रीलांसर, सिंपल लफ्ज़ों में जिसे बोलते हैं फ्रीलांसर, ये वो होते हैं इन्फ्लुएंसर, ठीक है। तो अमेजोन एफिलिएट क्या होता है, ठीक है, अमेजोन एफिलिएट का मैं अभी आपको बता देता हूँ। अमेजोन एफिलिएट वो चीज़ है जिसके ज़रिए आप किसी की चीज़ को भी सेल आउट करके अर्निंग कर सकते हैं, जी हाँ। उस किसी की चीज़ किस तरह सेल कर सकते हैं आप, वो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेजोन के ऊपर कोई बड़े ब्रांड है या कोई भी है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है सेलिंग के लिए, ठीक है। तो जारी बात है, अगर उनकी सेल नहीं अच्छी हो रही तो आप उनकी
ये प्रोडक्ट को उठाएं और एफिलिएट अमेज़न एफिलिएट पे अपना साइन इन करें और वहाँ से आप उस प्रोडक्ट का एक शॉर्ट लिंक क्रिएट कर लें, एक प्रोडक्ट का किसी का, ठीक है, शॉर्ट लिंक तैयार कर लें। अगर आपके पास ऑडियंस है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, कहीं भी आपके पास ऑडियंस है अच्छी, ठीक है, आप वो लिंक को वहाँ पे शेयर करें, ठीक है, ताकि वहाँ से लोग उस लिंक पे ऊपर जैसे क्लिक करके वहाँ से चीज़ें बाय करेंगे चीज़ को, तो भाई साहब आपको प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वो चीज़ है जी 1,000 रुपये की है चीज़, ठीक है, तो उसमें से 1,000 रुपये में से आप 200 रुपया आपको मिल जाएगा, 200 से 300 रुपया, ठीक है, और बाकी जो है 700-800 रुपया वो मेन बंदे को चला जाएगा जिसकी ये के प्रोडक्ट है, ठीक है, और कोई आपने ये के खुद नहीं भेजनी चीज़, जस्ट आपका वो ऑर्डर उधर से क्लियर होने और आपके पेमेंट आपके अकाउंट में आ जानी है, बाकी सारा काम वो जाने उनकी मर्जी, ठीक है, बाकी आप पे कोई ये के जोर नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिंपल आपने बैठ के बस एडवर्टाइजिंग करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो नंबर 6 पे हमारे पास आता है फ्लिप स्टोर बॉट प्रोडक्ट विद रिटेल आर्बिट्रेज, ठीक है, फ्लिप स्टोर, फ्लिप स्टोर किसे कहते हैं, अमेजोन का जो स्टोर है उसको फ्लिप कर दे, ठीक है। अगर आपको पता है कि महीने का इससे तकरीबन कोई 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपया अगर आ रहा है आपको, ठीक है, अमेजोन के स्टोर से, तो वो तकरीबन तकरीबन आपका 10 लाख का वो तकरीबन आपका तकरीबन वो बनता है 12, हाँ तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया आप लें उससे, अगले बंदे को 1.5 करोड़ रुपये में वो सेल कर दे, 10 लाख मंथली आ रहा है, 1.5 करोड़ में सेल कर दे, 6 महीने तक आप फिर से वैसे ही आप स्टोर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप में उतनी एबिलिटी होती है कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। वो क्या 1.5 करोड़ आ गया आपके पास, आपने उसमें से 1.5 करोड़ में से कोई 2-3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया लगाया और अपना दोबारा से वर्क स्टार्ट कर दिया, आपके पास करोड़ तो आपका बनना ही पड़ा है, और ठीक 6 मंथ बाद फिर आप वहाँ उस स्टेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको मंथली 8 से 10 लाख रुपया एक से आ रहा है। तो भाई साहब उसको फ्लिप मारें, हर यानी कि 6 महीने बाद कोई 1-2 करोड़ रुपया छापें, ठीक है, और जो उसके अलावा जो अर्निंग होनी है वो अलग से है, ठीक है, जो कि आपका स्टोर होगा उससे जो आप स्टार्टिंग में अर्निंग करेंगे वो सारी चीज़ें एक अलग है, और जो बाकी 1-1.5 करोड़ जो आपको सीधा आ जाएगा वो एक चीज़ अलग है, ठीक है। नंबर 8 पे हमारे पास आते हैं, सॉरी नंबर 7 है फ्लिप ऑनलाइन, ओके, फ्लिप ऑनलाइन रिटेल स्टोर प्रोडक्ट यूजिंग ऑनलाइन आर्बिट्रेज, ठीक है, तो फ्लिप ऑनलाइन रिटेल, ठीक है, तो ऑनलाइन रिटेल्स के हिसाब से अपनी चीज़ों को सेल करें, ठीक है, और उस हिसाब से आप चलें फ्लिप करें चीज़ों को। तो इसके बाद नंबर 8 हमारे पास आता है हैंडक्राफ्ट योर ऑन आइटम टू सेल ऑन अमेजोन थ्रू अमेजोन हैंडमेड, के भाई साहब हैंडक्राफ्ट है जो आपके हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं वो आप अमेज़ॉन के ऊपर सेल आउट करें और सेल आउट करके अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ें हैं ये वाली, ठीक है, और हैंडमेड चीज़ें अक्सर बच्चों की अक्सर बनाई जाती हैं या फिर बड़ों की भी होती हैं, लेकिन जो भी हैंडमेड चीज़ है ना उसकी क्वालिटी कुछ अलग होती है और उसकी प्राइस भी कुछ अलग ही होती है, ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो स्किल है आप स्किल के रिलेटेड आप खुद अपनी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको प्रोडक्ट बनवाने में कहीं पे खर्चा नहीं आएगा, आप प्रोडक्ट खुद ब खुद तैयार कर लेंगे, जस्ट थोड़ा बहुत जो है उसमें वो लगेगा, अदरवाइज आप अपनी प्रोडक्ट खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 9, सेल योर ऑन शर्ट्स, ठीक है, तो हैट्स कॉफ़ी मग एंड मोर थ्रू अमेज़ॉन मर्ज ऑन डिमांड, ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपने डिमांड के ऊपर ये चीज़ें किस तरह बना के आप सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
जी मैंने बोला कि जी मुझे इस टाइप की टी शर्ट चाहिए, ठीक है, ये साइज़ है, जो सारा कुछ हमने बताया, तो उस हिसाब से आपको यहाँ के वो आप खुद यहाँ के बनवा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की अपने लिहाज से आप चीज़ तैयार करवा रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हैट्स भी आ जाते हैं, टी शर्ट्स आ जाती हैं, कॉफ़ी मग आ जाते हैं, जैसे अक्सर देखा होगा आपने कि कॉफ़ी मग के ऊपर पिक्चर्स लगी होती हैं, कोई कुछ ना कुछ बना होता है, वो आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं और ऑन डिमांड अपनी चीज़ तैयार करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सेल आइटम विदाउट ओनिंग एनी इन्वेंट्री बाय ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, आप प्रोडक्ट को सेल करें, ठीक है, विदाउट ओनिंग, ठीक है, तो ऑन के बगैर, ऑन जो उस ऑन बिजनेस का जो मालिक है उसके बगैर, ऑन एंड इन इन्वेंट्री टू ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, और ड्रॉप शिपिंग की इन्वेंट्री, ठीक है, और इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या है, सेल आइटम्स विद, अच्छा जी, सेल यूज्ड प्रोडक्ट इन योर होम, ठीक है, जो आप घरों में यूज़ कर रहे हैं चीज़ें वो सेल कर सकते हैं। जैसा कि किसी बंदे से किसी ने पूछा ना कि यार आपने आज तक अमेज़ॉन पे सबसे ज़्यादा सस्ती और सबसे अच्छी खासी प्राइस में चीज़ कौन सी सेल की है, तो जिसमें आपकी बिल्कुल कॉस्ट भी ना आई हो और आपको उससे दूसरी तरह से आपको पैसा भी काफ़ी मिल गया हो। जी हाँ, तो वो चीज़ ये है कि जो मैंने जस्ट आपको दिखाई है, ठीक है, कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल आउट कर सकते हैं, कैसे वो अर्निंग कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है ऑफर योर सर्विसेज थ्रू अमेजोन सर्विसेज, ठीक है, तो अमेजोन के थ्रू अपनी सर्विसेज शेयर करें, ठीक है, कि आप इजीली अमेजोन के थ्रू यह की अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है वर्क, क्या है, वर्क इन वन ऑफ अमेजोन फिलफिलमेंट एंड एडिशनल एट्रीब्यूशन कंट्रीज, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास है बहुत सारी यार चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ थोड़ी है। तो ज्वाइन द मैकेनिकल तुर्क प्रोग्राम, ठीक है, तो ये भी ज्वाइन करें, और मेक मनी फ्रॉम होम, ओके, तो सबसे पहले डिलीवरी गुड बॉय, ठीक है, और अब आते हैं डिलीवरी गुड बाय ऑन अमेजोन। अमेजोन के ऊपर ये गुड बाय कौन से होते हैं, सारी बात है यार, कोई भी कंपनी है, कोई भी कुछ है, वो सबसे ज़्यादा उसी बंदे को प्रेफर करते हैं, सबसे ज़्यादा उसी को लाइक करते हैं जो कि ज़्यादा काम करता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा हार्ड वर्कर होता है, ज़्यादा मेहनत करने वाला होता है उस, और शॉर्टकट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कंप्लीट करता है, उसी की इज्जत है और उसी को ही, यानी कि सिंपल आप यानी कि अर्न कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी मैं बात यहाँ पे भूल गया था, चलो खैर कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा इसके रिलेटेड में थोड़ा सा आपको जानकारी मज़ीद दे देता हूँ इनके अकेले अकेले के बारे में, ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं, कैसी है, क्या नहीं है। सबसे पहले था सेल योर ऑन प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन, ठीक है, इसके रिलेटेड मैं डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। द बेस्ट वे टू मेक मनी ऑन अमेजोन इन 2024 इज स्टिल थ्रू प्राइवेट लेबल सेल्स यूजिंग अमेजोन फिलफिलमेंट बाय अमेजोन FBA नेटवर्क। अराउंड 59% ऑफ ऑल अमेजोन ऑन सेलर रन देयर बिजनेस यूजिंग द प्राइवेट प्राइवेट ओके सॉरी यूजिंग द प्राइवेट लेबल मेथड, ओके। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल इज अ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्री एग्जाइटिंग
एग्जैक्टिंग एटम्स प्रेएबल प्रेफरेबल विद प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट पुटिंग योर बेंडिंग एंड लोग्स लॉज ऑन इट एंड सेलिंग द कंस्यूमर. ठीक है, तो सेलिंग द कंस्यूमर सम वन आइटम इट इज रेफर्ड और रेफर्ड टू अस विद लेबलिंग ऑन ब्रांड क्रिएशन. ठीक है, कोई भी अपना ब्रांड क्रिएट करता है तो उसके ऊपर लेबल तो बना के लगाता ही लगाता है, सीधी बात है, हर एक ने अपना लेबल और लोगो तो लगाना ही होता है. तो इसके बाद आता है द प्रोसेस हैज़ बीन अराउंड फॉर ईयर्स एंड इज कॉमन इज कंटिन्यूअस रिटेल स्टोरीज टारगेट मेनी स्टे ए ब्रांड एंड वलमार्ट वलमार्ट ग्रेट वैल्यू आर टू एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट लेबल ब्रांडेड. ठीक है, थैंक टू FBA Amazon इज एबल टू शिप एंड डिलीवर योर प्रोडक्ट टाइपिकली इन टू डेज इज और फाइवर और फेवर और वट यू लाइक नाउ एंड Amazon Prime. दिस इज नाउ ई कॉमर्स बिजनेस ऑनर्स कैन लिस्ट गुड ऑन Amazon एंड मेक मनी फ्राम द सेल. जी हाँ, तो भाई साहब आप सेल्स के थ्रू आप Amazon से काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं. जी हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट यू कैन यूज अ टूल लाइक जंगल शॉट द ऑल इन वन प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग ऑन Amazon. ओके, तो भाई साहब Amazon क्या ही बड़ी चीज़ है, तो आप लोगों को इसी से अंदाज़ा हो गया होगा. How much money can I make selling private label product on Amazon on approximately $625 to $1875 per month per product. अगर आप $600 लगाते हैं तो आप उसका कमो बेश तीन गुना आपको ज़्यादा आपको मिलेगा, तीन गुना ज़्यादा आप उसे अर्न कर सकते हैं. तो वो किस तरह, तो वो आपको मैं बताता हूँ फिलहाल. ठीक है, ओवर हाफ ऑफ प्राइवेट. ठीक है, ओवर हाफ 56% ऑफ प्राइवेट लेबल सेलर्स अर्न $5,000 ऑन मोर इन मंथली सेल्स एंड 27% है प्रॉफिट इट मार्जिन आवर 20% एंड 25% Amazon ऑन सेल डू एनीवेयर फ्रॉम $25,000 टू 250,000 डॉलर पर मंथ इन सेल. 25,000 डॉलर से आप तकरीबन $2,50,000 पर मंथ की सेल निकाल सकते हैं और अर्न कर सकते हैं. भाई साहब बहुत पैसा है. तो सबसे पहले तो $25,000 भी तकरीबन जो है पाकिस्तानी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 50,00,000 रुपया बनता है. ठीक है, तो 50,00,000 नहीं बल्कि तकरीबन 70-80,00,000 रुपया 90,00,000 रुपया इतना बन रहा है. ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा अपने आप को यानी कि अकाउंट करते रहते हैं कि हम किस हिसाब से चलें और किस तरह यानी कि सिचुएशन को लेके चलें. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आती है चीज़. ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, पब्लिश योर ऑन बुक ऑन काइंडली डिस्टर्ब. ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे पास Amazon काइंडली डायरेक्ट पब्लिशिंग KPD allow you to publish
ठीक है यार, दिमाग ही दही हो जाती है भाई साहब एक बार तो। द ओनली कैच विद द ऑप्शन इज दैट यू आर यूजली नीड टू राइट सम व्हाट प्रो लाइफली इन ऑर्डर टू फाइंड सक्सेस थ्रू इट इज पॉसिबल टू परचेज एंड टू वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके अलावा आ जाता हूँ मैं। ठीक है, तो यह भी अगर ओके ठीक है आगे आता है। इफ़ यू आर नॉट अ ग्रेट राइटर हर ऑन राइटर डू नॉट हैव एनी आइडियाज़ फॉर आर बुक, यू कैन आल्सो मेक मनी इन विद केपीडी। ठीक है, तो ये केपीडी ई वाला है। ठीक है, बाई क्रिएटिंग डेट का लो और मीडियम कंटेंट बुक दिस बिकॉजली बेसिकली मीन्स एडिशन। ठीक है, तो अब इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ चुका है वो है हाउ मच मनी कैन आई मेक राइटिंग फॉर केपीडी। कि यार आप केपीडी के थ्रू कैसे रनिंग कर सकते हैं। वी हैव अ ग्रेट इन एंड डेप्थ गाइड ऑन हाउ टू गेट स्टार्ट विद अमेजॉन काइंडली डायरेक्ट पब्लिशिंग एंड इफ यू प्रीफर वीडियो प्रेफर वीडियो और चेक आउट ऑफ योर यूट्यूब वीडियो ऑन मेकिंग मनी विद केपीडी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है भाई साहब अब, कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। हाउ मच मनी कैन आई मेक सेलिंग होल सेल गोड्स एंड अमेजोन। कि आप यानी कि किस तरह से ये होल सेल यानी कि सेलिंग कर सकते हैं, वो भी अमेजोन के ऊपर, वो भी अच्छी खासे वाली। 61% ऑफ होल सेल सेलर्स ऑन अमेजोन मेक $5,000 पर मंथ। ठीक है, और मोर इन मोस्टली ठीक है मोर एंड मोस्टली सॉरी ए मोर पॉपुलर वे टू मोर पॉपुलर वे टू सेल प्रोडक्ट ऑन ऑन अमेजॉन विद 26% ऑफ रिजल्ट एंड प्रॉपरली रिजल्ट मीनिंग इट इज़ अ ग्रेट वे टू अर्न मनी ही नॉट दैट इट कैन बी मोर और कंपिटिटिव देन द प्राइवेट लेबल मार्केट मार्केट। ओके, ऑन द मार्केट मार्केट साइन यू विल लाइकली बी शेयरिंग आ कंपिटिटिव फॉर बाय बॉक्स विद द अदर रिसेलर सो इट कैन। ओके, सो इट कैन। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है आवर प्राइसेस विद द ओनली लेवल। ओके यार, इसको छोड़ो, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। हाउ कैन आई लर्न टू मेक मनी ऑन अमेजोन सेलिंग होलसेल गोड्स। ठीक है, तो किस तरह होलसेल गोड्स सेल होते हैं ये मज़ीद आपको बता देता हूँ। वन यू यू हैव लर्निंग द बेसिक्स ऑफ बेसिक्स यू कैन एंड आस जंगली स्काउट प्रोडक्ट
database to short and find and worthwhile product and brand and brand to the open brand to the open brand to the open sorry the product brand open wholesale continue with us number 4 पे आता है become on Amazon affiliate and other unique way to earn money with Amazon without having to invest money in inventory by promoting other brand product and earning commissions from those the okay program how can you promote the product already listed on Amazon product already listed on Amazon there are a few way to okay ठीक है तो सबसे पहले ये चीज़ आती है ठीक है देर आर अ फ्यू डेज बट द मोस्ट पॉपुलर एंड फॉर गिवन वे द थ्रो अ ब्लॉग यूट्यूब चैनल ट्विटर मोनेटाइजेशन एंड व्हाटएवर ओके ठीक है तो ये हो गए 4 पॉइंट हमारे हो गए अमेज़न के रिलेटेड ठीक है 4 पॉइंट क्लियर हो गए हमारे ये और नेक्स्ट हम चलते हैं कि बीकम एन अमेज़न इन्फ्लुएंसर ठीक है अमेज़न इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो क्या करते हैं और कैसे कैसे अर्निंग करते हैं वो मुकम्मल डिटेल के साथ आपको मैं अभी बताता हूँ ठीक है चलो जी तो सब सॉरी यार become an Amazon influencer and other branch of the Amazon Associate program is there an Amazon influencer program with where you have your own dedicated store front on Amazon with products you love and recommended you can also create a video reviewing products and the most okay तो आप यानी कि बहुत यानी कि अच्छे तरीके के ज़रिए यानी कि यहाँ से बिकम एन एज अ फ्रीलांसर के तौर पे भी आप अर्निंग अमेज़ॉन के ऊपर से कर सकते हैं ठीक है क्योंकि अमेज़ॉन एक ऐसा ब्रांड है तो जहाँ पे कोई बंदे का बस काम करने वाला हो तो भाई साहब वो भूखा नहीं मरता इतना ज़्यादा यहाँ पे पैसा है जैसा कि पाकिस्तान के हैं सनी अली हैं तो करोड़ों रुपया कमाता है यहाँ से कितना करोड़ों रुपया वो तकरीबन उसकी मंथली इनकम जो होती है ना मंथली इनकम तकरीबन लाखों डॉलर्स में होती है ठीक है लाखों डॉलर्स में और ख़ुद अंदाज़ा लगा लें वो कितना पैसा कमा रहा होगा जस्ट अमेज़न एक चीज़ पे उसको सेलिंग करने का पता है उसको प्रोडक्ट सेल करने का पता है ठीक है अच्छे से प्रोडक्ट को बाय करने का पता है ठीक है मेन उसको मेन चीज़ों का पता है कि किस तरह से कमाया जा सकता है पैसा अमेज़न के थ्रू तो भाई साहब वो बस वही ट्रिक यूज़ करता है और उससे पैसे कमाता है ठीक है तो वो तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे वो पैसे कमा रहा है ठीक है तो भाई साहब आप भी सेम टू सेम ऐसे ही अर्निंग कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल है को क्लाइंट के साथ बात करने की स्किल है नॉलेज है तो आप भाई साहब बहुत इजीली अर्न कर सकते हैं ठीक है वो भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं और जिससे आपको भाई साहब बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला है ठीक है तो क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जो कि काम तो स्टार्ट करते हैं बट बीच में जाके ही स्टॉप हो जाते हैं ठीक है तो चलिए हम दोबारा अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं दिस वे टू मेकिंग मनी विद अमेज़न हैज़ बिकम वेरी
popular with influencers on TikTok, Instagram, and YouTube, where they will refer a viewer to their Amazon store funds to purchase the very products they are talking about. यानी कि इन्फ्लुएंसर इतना ज़्यादा यहाँ से अमेज़ॉन के थ्रू कमा रहे हैं ना, वो कैसे, वो अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कमा रहे हैं, वो अपने रेफरल लिंक के थ्रू यहाँ के कमा रहे हैं, वो अपने टिकटॉक अकाउंट के थ्रू कमा रहे हैं, वो वीडियोस बनाते हैं और उस पर वहाँ जाती है भाई साहब टक 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 क्लिक करती है तो पैसे ही बनती है, ठीक है. यानी कि उन्होंने अपने टिकटॉक की बायो में लिंक दिया होता है, ये जो होता है एफिलिएट लिंक होता है, ठीक है, ये लिंक उन्होंने अपनी बायो में भी दिया होता है और YouTube पे अपने डिस्क्रिप्शन में दिया होता है. और इसी तरह भाई साहब वो Instagram वगैरह है वहाँ पे वो देते हैं, पोस्ट का लगाते हैं, तो वहाँ पे भी वहाँ ऐसे ही क्लिक करके पैसा बना रही, बस धड़ाधड़ भाई साहब ऐसे पैसे बनते हैं. तो नेक्स्ट द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट नीड टू हैव अ मैसिव फॉलोइंग टू गेट अप्रूव. यू कैन स्टिल गेट अप्रूव्ड इवन इफ यू ओनली हैव a couple hundred followers, okay. You can apply to the program with your Instagram, Facebook, TikTok or YouTube account, but if you are applying with Instagram or Facebook, make sure you have a business or creator account. अगर आपने Facebook, Instagram और अब हम कुछ बात करने वाले हैं कि Shopify के रिलेटेड, तो Amazon के रिलेटेड तो बहुत कुछ हो गया है, तो अब मैं Shopify पे आता हूँ कि आप Shopify से कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से उस वो वर्किंग करती है और कैसे लोग उसे अर्न कर रहे हैं. Shopify और Amazon में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, बाकी सेम सारी चीज़ें वैसे ही हैं, ये मैं आपको बता दूँ बस. लेकिन हर एक का थोड़ा सा काम करने का थोड़े थोड़े ये मेथड जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, बाकी तकरीबन सारी की सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, ठीक है, और कोई ज़्यादा यहाँ के फ़र्क वगैरह नहीं होता, ठीक है. तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फ्रीलांसर जितने भी हैं ना, और जितने फ्रीलांसर हैं वो अमेज़ॉन हो गई, ये दूसरा हो गई यार शॉपिफाई हो गई, तो इनके थ्रू बहुत सारा अर्निंग करते हैं, ठीक है. शॉपिफाई पे जैसे ही आप आते हैं तो सबसे पहले आते हैं बिल्ड योर ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट इन 3 इजी स्टेप्स, ठीक है. तो आप अपनी इजी ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार कर सकते हैं इजी 3 स्टेप्स. शॉपिफाई इज अ ट्रस्टेड बाय मिलियंस ऑफ बिजनेस वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये भी ट्रस्टेड है और मिलियंस ऑफ वर्ल्ड वाइड के अंदर, ठीक है, लोग हैं जो इस पर ट्रस्ट करते हैं. बाई एंटरिंग योर ईमेल यू एग्री टू रिसीव मार्केटिंग ईमेल फ्रॉम Shopify. तो आप इसमें ईमेल लगा के अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. तो इसमें होता क्या है, चूज़ एंड कस्टमाइज अ थीम. सबसे पहले आपको कस्टमाइज करने के लिए अपना थीम चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है. थीम जब चूज़ हो जाएगा तो फिर आप इस पर बाकी का वर्क कर सकते हैं, ठीक है. तो थीम चूज़ करने के बाद आप अपनी एक वेबसाइट तैयार करते हैं, ठीक है, मुकम्मली तौर पे एक वेबसाइट तैयार करते हैं जिससे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, ठीक हो गया. तो वो कैसे अर्न करेंगे, कस्टमाइज द डिज़ाइन ऑफ योर शॉप फ्रॉम ओवर थाउजेंड्स ऑफ थीम्स, नो डिज़ाइन एक्सपीरियंस और प्रोग्रामिंग स्किल रिक्वायर्ड, ओके. नंबर से कहते हैं एंड एड प्रोडक्ट, एड योर प्रोडक्ट टू द शॉप लिस्ट योर आई कैचिंग प्रोडक्ट विद द बेस्ट फोटो प्राइस एंड डिस्क्रिप्शंस. तो आई कैचिंग फ़ोटो बनानी है आपने, यह कि जैसे आप फ़ोटो देखें तो आपको यही लगे यार, अगला बंदा जैसे देखे ना आपकी के प्रोडक्ट को, फ़ोटो इस तरह कमाल की होनी चाहिए कि वो फ़ौरन से उस पर क्लिक करने के जाए, ठीक है, क्लिक करे, देखे करे और वो बाय भी करे, ठीक है. ये होते हैं आई कैचिंग, ठीक है, आई कैचिंग प्रोडक्ट है और अच्छी से अच्छी उसकी फ़ोटो डिवेल्प करके वो लगाएं अच्छी डिज़ाइनिंग में, ठीक है. स्टार्ट सेलिंग, सेटअप पेमेंट एंड शिपिंग एंड स्टार्ट सेलिंग, ठीक है, सेटअप अपना स्टार्ट करें, शिपिंग करें और स्टार्ट सेलिंग करें, ठीक है, और अपनी सेलिंग करना
स्टार्ट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ आप। ठीक है, तो इसमें आपको अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, शॉपिफाई के ऊपर आपको सारी बात है, किसी ना किसी अपने ईमेल के थ्रू अकाउंट बनाना पड़ता है और फिर ही आप उससे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉपिफाई से अर्निंग के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो मैं कुछ टॉप 10 वेज ऐसे हैं जो कि शॉपिफाई से अर्निंग के मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। ठीक है, नंबर 1 पे आता है क्रिएट अ शॉपिफाई स्टोर। सबसे पहले तो आपको शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा कि किस तरह से आप शॉपिफाई का क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट और उससे अर्निंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आता है सेटअप एंड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, मोनेटाइज योर सोशल मीडिया पर सेटिंग है, सेल है, प्रिंट एंड डायमंड प्रोडक्ट हैं, सेल हैंडमेड गॉड्स हैं, सेल डिजिटल प्रोडक्ट एंड डाउनलोड है, सेल थ्रिफ्टेड और वेंटेज गॉड्स हैं, हेल्प द अदर बिजनेस ओनर सेटअप ऑन स्टोर्स हैं, और डिवेल्प आ शॉपिफाई ऐप ऑन थीम्स हैं, बिकम आ शॉपिफाई एफिलिएट। ओके, तो नंबर 1 हमारे पास था क्रिएट अ शॉपिफाई स्टोर। शॉपिफाई इज अ प्राइमरी एन ऑनलाइन स्टोर बिल्डिंग बिल्डर, यू कैन यूज इट टू गेट इट टू सेटअप एन ई कॉमर्स वेबसाइट विद रिलेटिव ईजी अपलोड अनलिमिटेड प्रोडक्ट, होस्ट योर वेबसाइट ऑन शॉपिफाई एंड यूज शॉपिफाई पेमेंट टू प्रोसेस कस्टमर्स क्रेडिट्स एंड डेबिट्स कार्ड ट्रांजेक्शंस। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है यू विल हैव टू बी स्पेंड एट लेस्ट प्राइसेस। शॉपिफाई प्लान्स इंक्लूड एडिशनल फीचर्स लाइक पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल टर्मिनल मोर डिटेल्स सेल्स रिपोर्ट्स एंड शिपिंग रेट कैलकुलेशन कैलकुलेशन फॉर कस्टमर्स, बट पेमेंट प्रोसेसिंग रेट गो डाउन एट ईच देयर। ओके, योर शॉपिफाई स्टोर कैन सेल वर्चुअली एनीथिंग एनीथिंग एंड वी विल डिग इन टू सम आइडियाज फॉर प्रोडक्ट कैन सर्विस बिलो। नो डैट सम ऑफ दीज ई कॉमर्स बिजनेस आइडियाज आर फैसिलिटेटेड बाई शॉपिफाई एप विच आर एडिशनल पीसेज ऑफ सॉफ्टवेयर डैट कैन नॉट टू डैट के नाट टू हो शॉपिफाई टू एक्सपेंड द। और नंबर 2 पे हमारे पास आता है सेटअप और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। कि सेटअप और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस किस तरह से होता है, क्या तरीकेकार है, तो सिंपली आपको वैसे एक बता देता हूँ नॉलेज के लिए मैं कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है, जैसा कि कोई भी आप ये कि चीज़ ये कि कोई बाय करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जैसा कि दराज है, शॉपिफाई या अमेजोन, कुछ चीज़ से भी आप बाई करते हैं, तो जो बंदा आपको घर तक वो चीज़ ड्रॉप करने आता है उसको कहते हैं ड्रॉप शिपर। ठीक है, उसको कहते हैं ड्रॉप शिपर, ड्रॉप शिपिंग। अब क्या होती है, आप लोग ये कि अगर आपका अकाउंट है, आपके पास सेलिंग आ रही है, आप लोग सेल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग आप खुद कर रहे हैं कि आपके पास ऑर्डर्स आए, चीज़ें आपके पास हैं, आपने उठाई, एक एक बंदे का ऑर्डर उठाया और उसके घर तक उसको दे के आए, इसका बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चलता है, यानी जिसमें अगर आपको तकरीबन 100, 10, 20 जो ऑर्डर अगर आ जाएँ तो उसमें से आपको इजीली इजीली आपको भाई साहब यहाँ के प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग इज़ एन ऑनलाइन सेलिंग मेथड्स इन विच यू डोंट कीप इन्वेंट्री इन स्टॉक। इंस्टीड व्हेन अ कस्टमर परचेजेस एन आइटम योर बिजनेस ऑर्डर द प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एट दैट टाइम ड्रॉप शिपिंग कैन हेल्प योर बिजनेस कीप इनिशियल कॉस्ट डाउन सिंस यू डोंट नीड वेयर हाउस स्पेस और
इन्वेंट्री, ओके कि आप इन्वेंट्री के थ्रू सारे ये किस तरह से काम कर सकते हैं सारा। तो इफ़ यू वांट टू ड्रॉप शिप ऑन शॉपिफाई, देयर आर अ वैरायटी ऑफ थर्ड पार्टी ई ऐप दैट कैन इंस्टॉल टू हेल्प कनेक्ट द ड्रॉप शिपिंग सप्लायर। यू कैन सोर्सेस प्रोडक्ट फ्रॉम दोज सप्लायर देन लिस्ट देम ऑन योर वेबसाइट कैन लॉन्च योर स्टोर। ओके नंबर थर्ड, मोनेटाइज योर सोशल मीडिया परसेंस है, ठीक है। तो Shopify इज अ करेंटली डिवेलपिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम कॉल Shopify कोलब्स। इफ यू हैव अ सिग्निफिकेंट ऑडियंस ऑन सोशल मीडिया, यू मे बी एबल टू रेफर योर फॉलोअर टू प्रोडक्ट्स यू लव एंड अर्न अ कमीशन व्हेन दे मेक अ परचेज। ओके एज ऑफ दीज राइटिंग इन्फ्लुएंसर कैन अप्लाई फॉर ईयरली एक्सेस टू Shopify कॉलब्स। दूज एक्सेप्टेड टू द प्रोग्राम कैन अप्लाई टू वर्क विद सर्टेन ब्रांड रिसीविंग फ्री प्रोडक्ट क्रिएटेड कंटेंट एंड मेक मनी इफ फॉलोअर्स बाय वन ऑफ द प्रोडक्ट। ओके नंबर सेकंड हमारे पास आते हैं, नंबर यानी कि फोर्थ आता है हमारे पास, सेल प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट, यानी कि डिमांड के ऊपर जो के प्रोडक्ट यानी कि प्रिंट होती हैं और सेल आउट होती हैं, ठीक है। प्रिंट ऑन डिमांड लेट्स ग्राफिक आर्टिस्ट सेल ऑल काइंड ऑफ मर्चेंडीज लाइक टी शर्ट्स मग्स थ्रो पाइलोस एंड मोर विद देयर डिजाइन प्रिंटेड ऑन देम। व्हेन अ कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर अ थर्ड पार्टी वेंडर क्रिएटेड द प्रोडक्ट एंड देन शिप इट टू द बायर, ठीक है। ये आप इजीली इसके ऊपर ये आप चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट के तौर पे कमीशन के तौर पे भी बनती हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अगर आपको ऑर्डर देता है कि ये चीज़ मुझे इस तरह की चाहिए, तो आप उसके मुताबिक उसकी चीज़ तैयार करके दे सकते हैं, ठीक है। एज विद द ड्रॉप शिपिंग बिजनेस देयर आर लॉट ऑफ Shopify ऐप डैट कैन फैसिलिटेट प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस। यू मे वांट टू ऑर्डर सिंपल प्रोडक्ट फर्स्ट, यू डू ओ कैन कंपेयर क्वालिटी, ओके एक्योर मल्टीपल वेंडर्स, ओके। तो इसके बाद हमारे पास एक और नया पॉइंट आ जाता है, सेल हैंडमेड गॉड्स हैं कि हैंडमेड गॉड्स क्या होती हैं और किस तरह से ये सेल आउट होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अभी बताते हैं, ठीक है। जैसा कि हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत ये कि ज़्यादा सेल होती हैं और काफ़ी लोग लाइक भी करते हैं उनको। क्राफ्टी बिजनेस ऑनर कैन बी Shopify टू सेल हैंडमेड प्रोडक्ट बोथ ऑन देयर ऑन वेबसाइट्स एंड ऑन अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। Shopify ऑफर सोशली ही मीडिया सेल्स, सो यू कैन मार्केट योर प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। यू कैन एंड इवन एस अ थर्ड पार्टी ऐप इंटीग्रेट Shopify विद etc एंड रीच अ क्राफ्टी ऑडियंस। ओके नंबर सिक्स हमारे पास आता है, सेल डिजिटल प्रोडक्ट एंड डाउनलोडेड। ओके
नॉट जस्ट इंक्लूड अ ई-बुक ई-बुक एनीवन यू कैन सेल स्विमिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ही पैटर्न स्प्रेडशीट टेम्पलेट शीट म्यूजिक एंड मोर विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट मैनेजिंग इन्वेंट्री शिपिंग और सप्लायर रिलेशनशिप डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट यू कैन एंड आल्सो एक्सेप्टेड ऑर्डर्स फॉर कस्टम लोगोज लेबल डिज़ाइन टेम्पलेट एंड अदर डिजिटल प्रोडक्ट्स ओके सेवरल शॉपिफाई ऐप एंड फैसिलिटेट डिजिटल डाउनलोड इंक्लूडिंग वन डिज़ाइन बाय शॉपिफाई इट्सेल्फ इफ यू आर सेलिंग आ सर्विस बी क्लियर इन द प्रोडक्ट लिस्टिंग अबाउट हाउ मच वर्क यू विल डू फॉर ईच प्राइस एंड वट द कस्टमर विल रिसीव सेव वेन यू आर डॉन शॉपिफाई रिकमेंडेशन क्रिएटिंग कस्टमर ईमेल टेम्पलेट टू कम्युनिकेट विद कस्टमर हु मेड परचेज ओके तो जी हाँ भाई साहब ये थी भाई साहब सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं आज की वीडियो में ठीक है और इसमें और भी बहुत सारे यहाँ के डेवलपमेंट भी आप कर सकते हैं और उसके अंदर भी आप अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई आते हैं ऑनलाइन फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ से बंदे को जस्ट स्किल आती हो तो बंदा भूखा नहीं मरता ठीक है। तो इसके अंदर भी बिकम है शॉपिफाई एफिलिएट के रिलेटेड भी है इन्होंने भी दिया क्योंकि एफिलिएट हर एक वेबसाइट के ऊपर वर्क करता है और हर एक वेबसाइट के थ्रू अर्न कर सकते हैं वो भी विद एफिलिएट के ठीक है। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग आती है ठीक है डिजिटल मार्केटिंग आती है ई कॉमर्स मार्केटिंग आती है तो भाई साहब आपको कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो पैसे कमाने से रोक सके क्योंकि आपके पास स्किल ही ऐसी स्ट्रॉन्ग स्किल हैं कि आप घर में बैठे हैं सुकून के साथ लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू ही आप चीज़ें सेल कर सकते हैं या स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं तो मैं सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ। अगर आप अपने व्हाट्सएप अपने फेसबुक अपने इंस्टाग्राम इसके थ्रू ही अपनी चीज़ें सेल करना शुरू कर दें ना तो आप खुद ब खुद ही एक दिन एक बड़ा ब्रांड बन जाते हैं ठीक है। और आपको कहीं पे जाके ये चीज़ें सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप अपने अकाउंट से ही फिर सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं ठीक है। तो हम क्या करते हैं हम बस उठाते हैं और लोगों के ग्रुपों में शेयर करते जाते हैं हालांकि हमारी पोस्ट के थ्रू उनको बहुत सारा फ़ायदा हो रहा होता है उनको लाइक्स आ रहे होते हैं उनको यहाँ के फॉलोअर्स आ रहे होते हैं उनके फेसबुक पेज के ऊपर ठीक है। तो रेटिंग तो उनकी बढ़ रही है हमारा तो ज़ीरो चल रहा है तो इसीलिए अगर हम अपने पेजेस पे करें अपने हर चीज़ अपने पे करें तो भाई साहब उसमें फ़ायदा है। स्टार्टिंग पे इतना नहीं होगा लेकिन ऐसा जब स्टेप बाई स्टेप आप ऊपर जाते जाएंगे वो एक बिल्ड अ स्टोरी आप एक पूरी स्टोरी टाइप एक बिल्डिंग तैयार कर देंगे ठीक है। और फिर आपको कहीं पे जा के सेल करने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आप जस्ट फोटेज लगाएंगे और अन्य वहाँ पर पहुँच जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नादर अली है ठीक है पाकिस्तानी यूट्यूबर है नादर अली फ़नी टाइप का है तो वो इतनी ज़्यादा यहाँ के लगाता है यहाँ के अपने उसका कोई परफ्यूम है उसकी यहाँ की एडवर्टाइजिंग ही लगाता रहता है ताकि कोई उसकी चीज़ बाय कर ले ठीक है कोई इसकी चीज़ बाय कर ले कोई चीज़ उसके यहाँ के अर्न वो कर सके ठीक है जिससे वो अर्न कर सके। तो बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो कि इसी तरह और बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि उसी की चीज़ को बाय कर रहे हैं और उसकी प्रमोशन हो रही है ठीक है प्रमोशन हो रही है और उसका फ़ायदा हो रहा है भाई साहब। ऐसा कौन सा बंदा है जो कहता है कि भाई मेरी प्रमोशन ना हो ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रमोशन होगी उतनी ज़्यादा उनकी सेलिंग बढ़ेगी क्या है कि उसने पहले अपने आप को बिल्ड किया अब वो अपनी प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं। पहले जस्ट आप फनी वीडियोस बनाता था आजकल अपनी प्रोडक्ट सेलिंग भी साथ में कर रहे हैं
ठीक है, पॉडकास्टिंग में बड़े बड़े नाम जो हैं वो आते हैं उसके पास, उनके थ्रू भी वो उनको गिफ्ट के तौर पे दे देता है, तो उनके थ्रू उसकी मार्केटिंग हो जाती है। तो भाई साहब मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं तो आप दुनिया में कहीं भी मार नहीं खा सकते, दुनिया में कहीं भी मार नहीं खा सकते, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा पैसा आप कमाना चाहें तो आप इजीली कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप ये के चाहते हैं कि आप अच्छा पैसा कमाना, तो भाई साहब मिनटों की खेल है, तो आप मिनटों में करोड़ों के भी मालिक हो सकते हैं, आप उससे कम के भी हो सकते हैं, ये आप पे डिपेंडेबल है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंडेबल होता है। तो आई होप कि आपको आज की हमारी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो भाई लोग हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन कॉल पर कर लीजिएगा, ताकि हमारी मज़ीद नई से नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखे ख्याल, दुआ में रखेगा याद, अल्लाह हाफिज़।